हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर अतुल। आज हम जानेंगे कि पेनी स्टॉक क्या होता है, पेनी स्टॉक कौन से होते हैं, पेनी स्टॉक के बारे में जो शेयर इन्वेस्टर होते हैं उनका नज़रिया क्या होता है, और पेनी स्टॉक खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए वो हम इस वीडियो में जानेंगे, वो भी सरल और सादे शब्दों में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा और डेली अपडेट्स भी आपको देते जाऊंगा। तो पेनी स्टॉक क्या होता है कि जिस कंपनी का शेयर्स वैल्यू 20 या 25 रुपीज़ से कम हो, वो शेयर पेनी स्टॉक में आता है। मतलब जिस कंपनी के शेयर प्राइस 15 रुपीज़ हो या 12 रुपीज़ हो या 21 रुपीज़ हो, वो शेयर पेनी स्टॉक में आते हैं। तो अब आमतौर पे जो शेयर इन्वेस्टर्स होते उनका नज़रिया होता है कि जो शेयर्स की प्राइस कम हो वो ज़्यादा बेनिफिट और आगे जाके फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा वो क्यों होता है वो आप जानेंगे। मान के चलो कि एक कंपनी का शेयर्स की वैल्यू, एक सेकेंड, मान के चलो कि एक यस नाम का इन्वेस्टर है, उसका कैपिटल है 1 लाख रुपीस और वो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो जब वो इन्वेस्ट करता है तो उसके सामने दो कंपनीज आती हैं। एक कंपनी ए नाम की, ये है पेनी स्टॉक, इसकी शेयर प्राइस है 20 रुपीज़, और बी नाम की कंपनी, इसकी शेयर प्राइस है 1000 रुपीज़। यहाँ पर का क्या होता है कि शेयर इन्वेस्टर को लगता है कि मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है, मैं अगर ए कंपनी के 1 लाख शेयर लेता हूँ तो वो मुझे आते हैं कितने, 1 लाख रुपीज़ के शेयर, वो आते मुझे 5000 शेयर्स मुझे मिलते, कितने 5000 शेयर्स मिलते हैं ये कंपनी के। और अगर मैं बी कंपनी के शेयर लेता हूँ 1000 रुपये के, 1000 प्राइस के, तो वो मेरे को मिलते हैं 100 शेयर। तो 5000 और 100, इसके बीच में आमतौर पर जो शेयर्स इन्वेस्टर होते हैं वो एक कंपनी के शेयर बाय करते हैं, क्योंकि मेरा कहना ऐसा है कि जो पेनी स्टॉक होते हैं उनमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता। अगर 20 रुपये का शेयर्स होता है वो ज़्यादातर 25-26 रुपये तक ही जाता है, 25-30 रुपीज़ पर ही काम करता है। लेकिन जो 1000 का शेयर्स होता है उसमें मूवमेंट ज़्यादातर 200 रुपये से 300 रुपये तक आराम से होता है। तो आप कम शेयर मिलते हैं इसकी वजह से आप पेनी स्टॉक लेते हो, तो इसमें आपका ज़्यादातर नुकसान होने का ही चांसेस ज़्यादा होता है। क्योंकि कई क्लाइंट को ऐसा अनुभव आया है कि जिन्होंने 10 रुपये का शेयर्स लिया है पेनी स्टॉक, और वो पेनी स्टॉक आगे जाके 0 रुपीज़ हो गया है। तो जिन्होंने 0 रुपीज़ हो गया तो इसका मतलब क्या है कि आपका टोटली लॉस हो जाता है उसके अंदर। अभी पेनी स्टॉक
खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए? एक तो पेनी स्टॉक कंपनी कौन सा है, कंपनी देखनी पड़ते हैं, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, अच्छी है कैसी है ग्रोथ, कंपनी का कैपिटलाइजेशन कितना है, कैपिटल कितना है अच्छा है, और आगे जाके कंपनी के ग्रोथ के कितने चांस हैं, वो सब देखना होता है। और जब भी मार्केट में बायर बायर और सेलर में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए, लिक्विडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो आप पेनी स्टॉक बाय कर सकते हो। मतलब समझो स्ट्राइक प्राइस 20 रुपये है और आपका 21 रुपये बाइंग है और आपको सेल करना है तो 15 रुपये दिखा रहा है, तो ऐसे स्टॉक में आपको उतरना नहीं है। जिसका अंतर सिर्फ 21 to 22 रुपये के अंदर होता है, 21 to 22 रुपीज़ लिक्विडिटी होता है, वही स्टॉक हमें पेनी स्टॉक में खरीदना है। सो गाइज, मैंने दी हुई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ये वीडियो ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिए। अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स भी भेज सकते हो। सो थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो, सेफ ट्रेड सेफ इन्वेस्टमेंट अर्न मनी कंस्टेंटली, गुड बाय।